डेलिकेट, थोड़े से नाजुक है, डेलिकेट। तो ये डिफरेंस पूछा जा सकता है। अभी पिछले क्लास के क्वेश्चन आया था, पेरिस डॉग में कितने टीथ होते हैं बताओ, कितने होते हैं? 32। क्वार्टर टीथ कितने हुए बच्चे? बच्चों ने लिखा, मेरे पास कॉपियां चेक करने की जाएंगी, बच्चों ने लिखा था 16, तो मैंने उनको आठ नंबर दिया। 16 आउटर रिंग में होते हैं, 16 अंदर रिंग में। टोटल मूल टीथ होते हैं पेरिस डॉग में 32। आउटर रिंग में 16, किसी बच्चे ने स्पेसिफाई किया था कि बाहर वाली रिंग में 16, अंदर वाली रिंग में 16, तो उनको तो पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही 15 लिख रहा है, 12 लिख रहा है, 13 लिख रहा है, उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 16 टीथ होते हैं बाहर वाले रिंग में और अंदर वाले। अब बाहर वाले टीथ मोटे हैं, बड़े हैं, रेड हैं, ट्राइंगुलर हैं, अंदर वाले टीथ स्मॉल हैं, कलर टेस्ट और डेड हैं, ठीक है। आप देखो, हर बाहर वाले टीथ की जस्ट नीचे अंदर वाला टीथ, इस चीज के जस्ट पीछे ही है अंदर वाला टीथ। ये अंदर वाला टीथ है जो इसके जस्ट पीछे ही है और छोटा है और डेलिकेट है, जो इसके जस्ट पीछे ही है, ठीक है। अभी कैसे खुलेंगे? ये हुआ पेरिस डॉग, ये क्या हुआ? पेरिस डॉग। अब क्या होता है, ये देखिए, ये ढक्कन पूरा बंद है, ऑपरकुलम का निकल चुका, खाने की कमी हो गई, एनुलस खुला, ऑपरकुलम निकल गई, नीचे गिर गया। पानी की कमी होने से ये जो पेरिस डॉग के टीथ है ना, ये भी सिकुड़ेंगे, सिकुड़ के बाहर की तरफ ऐसे टर्न हो जाते हैं, बाहर वाले जो टीथ है श्रिंक होंगे, श्रिंक होंगे, कोई भी चीज़ थोड़ी सी ऐसे कर्व होगी, पानी पड़ता है तो फ्लैट होएंगे, श्रिंक होएंगे तो बाहर की तरफ कर्व, बाहर की तरफ कर्व होएंगे तो उसके नीचे दूसरा टीथ भी जुड़ा हुआ है ना, वो भी खुलेगा, जगह बन जाएगी और ये स्पोर्स निकल के बाहर हो जाएगी। समझे? ये बहुत अच्छा टेक्निक है इसका। फिलेरिया के कैप्सूल के अंदर तीन लेयर की परत है, सबसे पहले ये ऑपरकुलम तो है, फिर पेरिस्टोम है, और उसके ऊपर कैरेक्ट्रा बनाया था ना मैंने, कैरेक्ट्रा भी तो बनाया था, वुड जो वेंटर की कोशिकाओं से बना था, वो भी तब निकल के गिरता है जब स्पोर्स को बाहर आना होता है, वो भी तब गिर जाता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर समझ आ गया फिलेरिया का, अच्छे से सारे स्पोर्स निकल के बाहर आते हैं। फिर अब होता है स्पोर्स का जर्मिनेशन। जो स्पोर होता है उसको देखिए, स्पोर के अंदर बहुत सारा ऑयल होता है, ऑयल ग्लोबुल्स, तेल भरा हुआ, स्पोर के अंदर तेल भरा हुआ। दो वॉल है स्पोर की, आउटर वॉल और इनर वॉल। आउटर वॉल को बोलते हैं एक्सोस्पोर, एक्सोस्पोर ये दो वॉल है, ठीक है। ये और क्या निकलेगा इसमें से? ट्यूब निकलेगा, इसको क्या बोलते हैं? मैंने बताया था स्टार्टिंग में कल, प्राइमरी प्रोटोनीमा। स्पोर से तो बनता है प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा शाखित होता है, होता है ना। इसमें से दो शाखाएं निकलती हैं, ऊपर की तरफ शाखाएं निकल रही हैं, नीचे की तरफ शाखाएं निकल रही हैं। ऊपर वाली शाखाएं एक्सिस बनाएंगी जिसमें पत्तियां आएंगी, और नीचे वाली शाखाएं राइजोइड बनाएंगी, और फिर नया गैमेटोफाइट बनेगा। क्या बनेगा? न्यू गैमेटोफाइट कंप्लीट। जब यहाँ पे आपने एक चीज और लिखने लगे, जो स्पोर मदर सेल्स थे इनमें मियोसिस होती है, स्पोर मदर सेल्स थे इनमें क्या होगी? मियोसिस, जिसके बाद क्या बनेंगे? टेट्राहेड्रॉन। यहाँ पे कोई भी फिलेटर नहीं बनता है, फिलेटर यहाँ पर नहीं बनता। तो कंप्लीट हुआ ये फिलेटर। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को? स्टूडेंट्स कविता कंचन, सब समझ आ गया? बंद करो।